मुरादाबाद के कांट रोड आदर्श नगर स्थित किशोर गृह में रहने वाला एक बच्चे ने अपनी माँ को फ़ोन कर कहा है कि उसके साथ कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके बाद माँ उस किशोर गृह पर पहुँची और पुलिस को सूचित किया कि मेरे बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिस मामले को लेकर अब जाँच की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि परिजनों द्वारा यदि कोई तहरीर दी जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राजकीय किशोर गृह के आगे एक महिला ने संप्रेक्षण गृह किशोर गृह के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाकर पुलिस को बुला लिया। महिला की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हरथला कॉलोनी में स्थित राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह के आगे एक महिला ने रोते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप था कि उसका नाबालिग बेटा यहाँ एक मामले में बंद है। उसके बेटे ने उन्हें रात कॉल करके बताया कि यहाँ छोटे बच्चों के साथ नाजायज काम किए जाते हैं। किशोर गृह के स्टाफ के साथ ही किशोर गृह के बड़े बच्चे भी छोटे बच्चों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं। विरोध करने वाले बच्चों की बेल्ट से पिटाई की जाती है। 14 साल का जी, और चोरी के मामले में आ गया, ऐसे सब कहीं जा रहे हैं और रास्ता में पकड़ लिए बालक, एक उसका मौसेर भैया रे को, तो उसके साथ में रात गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें ना करन दिया तो उसे बहुत मार लगाई है। आपको कैसे पता लगा? मुझे फोन करा यहीं से, इसने मेरे लड़के ने किसी का मोबाइल लेकर किसी के होमगार्ड केस करा हो या किसी केस करा हो, फोन करा इन्होंने रात 2 बजे। तो उन्होंने कह रहा मम्मी मेरे साथ में ऐसे ऐसा करा, मैंने ना करन दिया तो मुझे जो इन्होंने मारा है बहुत बुरी तरह से, और लड़के जो हैं उन्होंने भी बताया मुझे फोन करके। तो जब मैं सवेरे यहाँ आई तो मैंने जेलर साहब से शिकायत करी, तो जेलर साहब ने बच्चों की हमारों की सुनवाई नहीं करी, वो बच्चों की वजह से वो बच्चे डांटे छोटे छोटे, तुमने घर को क्यों फोन करा, घर को क्यों खबर भेज दई, और उन्होंने जब भी कुछ ना कहा। थाने फोन किया आपने किसको? हमने कप्तान साहब को करा जी, 112 नंबर पे करा, 12 नंबर वाली पुलिस भी आई, थाने वाले भी एसएसआई आए हैं, अब तो कुछ बात बता के गए ना, और लड़के कह रहे हैं हमारे साथ में हुआ, वो तो ऐसी हाँ जिले देंगे, हमें कोई भी ना बात बताई अभी तक भी। और बालक आपको क्या है, आप क्या चाहती है? जी हम ये चाहते हैं हमारे बालकों को सुंदरस्ती मिलनी चाहिए, और जैसे भी नहीं तो हमारे बच्चों को अलग करा जाए, ये बड़े बड़े बच्चे जो हैं जी अलग रहने चाहिए, जो गलत काम करने वाले लड़के वो अलग रहने चाहिए, और हमारे बच्चों को अलग रहने में छोटे हो। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि 112 पर कॉल आई थी, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, कुकर्म का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है, तहरीर अभी मिली नहीं है, जैसे ही शिकायत मिलती है कार्यवाही की जाएगी। ये 112 पे सुबह कॉल आई थी, इसमें ये बताया गया कि दो पक्षों के बीच में बच्चा जेल में मारपीट हुई है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे उसके अटेम्प्ट टू रेप के आरोप भी लगाए हैं, इसमें जांच की जा रही है और तहरीर अभी तक इसमें थाने पे मिली नहीं है, जैसे ही तहरीर मिलती है उसके बेसिस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो नाबालिग छात्र हैं कहाँ के हैं, किस मामले में बंद हैं, जानकारी मिली? इसमें जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं, एक बिजनौर का ग्रुप है और एक यहीं का लोकल का, उनके बीच में पहले भी दोनों पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हुई है, और अब आज भी इनकी सुबह फिर से दोबारा मारपीट हुई, तो इनके मेडिकल करवाया जा रहा है और जैसे तहरीर मिलती है उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस के मुताबिक ये दो ग्रुप के बीच की लड़ाई है, पहले भी इन लोगों के बीच लड़ाई हो चुकी है, फिलहाल नाबालिगों का मेडिकल कराया जा रहा है।